हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वसूस पैराडाइज। आज आप ये सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, स्टार्ट कहीं और से होता था बट आज यहाँ से हो रहा है। आज कुछ स्पेशल ओकेजन है इसीलिए स्टार्ट आज यहाँ से हो रहा है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या है आज। हाय, वेलकम टू वसूस पैराडाइज। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल बनाएंगे गारी ओट के पकोड़े। गारे पकौड़े, इसको सिंगाड़े का आटा भी बोलते हैं। हमारे पास है 1/2 किलो सिंगाड़े आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, 2 सेब, सेब के पकौड़े, आलू, आलू के पकौड़े और बैंगन, बैंगन के भी पकौड़े। स्पेशली कश्मीरी जन्माष्टमी प्रसाद। अब हम सिंगाड़े के आटे से पहले मसाला बनाएंगे। में डालते हैं आधा चम्मच नमक, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच, थोड़ा कलर भी रेडिश आना चाहिए उसमें। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, पानी मिक्स कर लेते हैं धीरे धीरे। ये हम मिक्स कर रहे हैं, धीरे धीरे पानी मिक्स करना है क्योंकि एकदम से नहीं तो बैटर बहुत ही पतला हो जाएगा। बेसन के जैसे करना है, जैसे बेसन के पकौड़े बनते हैं, थोड़ा उससे थिक रखना है क्योंकि जब हम साथ साथ में इसमें आलू, बैंगन और एप्पल मिक्स करेंगे तो ये पतला होते हैं। राउंड राउंड ये आलू को राउंड राउंड लंबे लंबे स्लाइसेस में काट दिया है। ये इसमें गए डिप, ऑयल हमने ले लिया था पैन में और हम इसमें डाल देंगे आलू। ये देखिए पोटैटोस फ्राई हो रहे हैं सिंगाड़ा आटे में। सिंगाड़ा आटे के पकोड़े जैसे बेसन के पकोड़े बनते हैं, वैसे ही सिंगाड़े के आटे के पकोड़े भी बनते हैं। यूजुअली फास्ट में सिंगाड़े का आटा यूज होता है। अरे एक बात तो पूछना ही भूल गया मैं आज, ये तो बता दो कि क्यों हम जन्माष्टमी मनाते हैं। मैंने ये तो बोल दिया व्यूअर्स को कि कुछ आज स्पेशल है, बट क्या स्पेशल था, क्यों स्पेशल है ये तो बताओ। जन्माष्टमी मनाई जाती है पहले तो लॉर्ड कृष्णा बर्थडे, इट्स कॉल्ड जन्माष्टमी। और महाराष्ट्र में आज जन्माष्टमी है तो कल दही हंडी होती है, हंडी यार इस बार हम बहुत मिस फोड़ते हैं। करेंगे ना दही हांडी को, हाँ इस दही बार तो हांडी से लॉकडाउन में यार दही हांडी तो होने ही वाली है। लॉकडाउन में दही हांडी नहीं होगी इस बार, तो गवर्नमेंट ने भी बोला है कि नहीं करेंगे, बट वी आर गोइंग टू मिस लॉट ऑफ थिंग्स दिस टाइम, दिस ईयर कोरोना में और ये लॉकडाउन में हम लोग गणपति मिस करेंगे। बहुत कुछ मिस करेंगे तो कितना मजा आता था, देखने जाते थे हर बार गणपति को। बट ठीक है, एनीवेज जन्माष्टमी होती है, जो वो बोलते हैं ना अरे कौन सी ईविल होगी, का नाश इसका कुछ तो होगा ना करने के, रीजन मैं पीछे। बोल अरे रही हूँ ईविल का नाश करने के लिए और जो गुड वाइब्स, अच्छी चीजें होने के लिए, बुरी चीजों का नाश करने के लिए। और साथ साथ मैं काट रही हूँ एप्पल राउंड राउंड। अब हम एप्पल के भी पकौड़े निकालेंगे, एप्पल के पकौड़े खाने में बड़े मजा आते हैं। कश्मीर में जो है वो खट्टे एप्पल के पकौड़े निकाले जाते थे, येलो कलर नहीं, क्या है कौन सा कलर होता है चोक वो। चोक खट्टे एप्पल यहाँ पे मिलते नहीं है खट्टे एप्पल, तो हम मीठे ही एप्पल्स का पकौड़ी निकालते हैं। सो लेट अस बिगिन विद एप्पल पकौड़ी। इसका बीच वाला निकाल देती हूँ। हाँ तो जन्माष्टमी, अरे तुम जब छोटे थे ना हम तुमको बनाते थे कृष्ण क्या कृष्णा, मुझे याद है हम लोग कहीं कृष्ण तो उधमपुर में भी एक बार बनाऊं मैं।
ये गैस थोड़ा तेज अभी कृष्णा कहाँ बनेगा? आप ही नहीं होते हैं कृष्णा। अरे ये सही है, बचपन में बना लो कृष्णा। वो बचपन में ही होता है, तभी मन साफ होता है। अभी शैतान का मन है मेरा। अरे शैतान भी बना दिया। अरे ईर्षा, द्वेष, गुस्सा, मतलब शॉर्ट में बोलो ना बेसिकली क्या। रैंटी हो गया, रैंटी। अरे नहीं, शॉर्ट में बताओ क्या है शॉर्ट। ठीक था। अरे ये वाला शॉर्ट नहीं, मतलब शॉर्ट में सिनेरियो समझाओ क्यों हुआ था। बहुत सारों को तो पता भी नहीं होगा क्यों है ये, तो इंडिया में लोगों को पता है कि क्यों मनाया जाता है। नहीं, बहुत सारे अब्रॉड में यू सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो ये हरे कृष्णा हरे रामा वाले। अरे तुम्हें देखना चाहिए बाहर जो है आउटसाइड इंडिया वो कैसे सेलिब्रेट करते। सबसे ज्यादा अच्छी सेलिब्रेट होती है वृंदावन मथुरा में। मथुरा वृंदावन में तो इतनी, मेरे को तो बस अभी एक ही चीज दिखाई दे रहा है कि मैं खा लूं। नहीं अभी नहीं, अब मैं खा नहीं सकते यार। अभी नहीं था, अभी नहीं, अभी भूख लगेगा पहले, फिर तुम खा लेना। पहले मुझे भोग लगाने दो, फिर मैं तुम्हें भोग लगाऊंगी। मुझे भोग लगे पहले, भगवान को लगाने दो, फिर तेरे को भोग लगाती। देख देख के मन नहीं करता खाने का। तुम इतना सारा ब्लॉग बनाती हो, तुम इतना सारा ब्लॉग बनाती हो, ये सब करती हो, तुम्हें मन नहीं करता है खाने का कि मन भर जाता है उसके बाद वहां तुम्हारा। जो बनाता है उसका मन भर जाता है। मतलब तुम क्या बोलना चाहती हो? खिलाने का ज्यादा शौक। अच्छा, मतलब तुम्हारे को खिलाने का शौक है खाली, खाने का नहीं। अभी हाँ, इसलिए लॉकडाउन में हम थोड़े मोटे हो रहे हैं है ना, थोड़े नहीं मतलब पेट बाहर निकल रहे क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे। तेरा मेरा झाड़ तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। हाँ चलो बन गया है ना। अभी एक दो बैंगन के भी डाल के ना बस देख ही सकते। झूठे हाथ तो नहीं है ना? नहीं यार, बस देख ही सकते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलो दिखा भी देते हैं कैसा बन रहा है। ये एप्पल वाले राउंड राउंड एप्पल, और यहाँ पड़े हुए ये पोटैटो एक जैसे ही लगते हैं। कोटिंग बड़ा मन कर रहा है, कोटिंग के बाद एक जैसे ही लगते हैं। रियली टेस्टी एप्पल वाले यार। वाले फर्क नहीं लगता है, बड़े बड़े कांटे हैं यार। अब थोड़े ना बैंगन के भी कर लेते हैं। और ये हो गए हैं हमारे बैंगन। ये हम चलते हैं, अब लगा देते हैं। चलो चलते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल, एंड मे लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू ऑल विद all his blessings and may you have good same health, wealth and life same till then till then bye bye, bye.